देहरादून में स्पेक सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एवं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि होली के मद्देनजर स्पेक द्वारा एक रिसर्च की गई है जिसमें बाजार से रंगों और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। रिसर्च में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रंगों के 50 नमूनों और 240 खाद्य पदार्थों के नमूनों में घातक रसायन पाए गए हैं। बाजार में बिकने वाले होली के अधिकतर रंग धातु के ऑक्साइड, औद्योगिक रंग व इंजन ऑयल से मिलकर बने होते हैं। बाजार में उपलब्ध हर्बल रंगों के सैंपल में मेटालिक रंगों की मिलावट पाई गई है। वहीं खाद्य पदार्थों में खाने का सोडा, सूखा दूध, फॉर्मलिन, यूरिया आदि की 70% मिलावट प्रयोगशाला में पाई गई है। इसके अलावा स्पेक्स ने हर्बल नेचुरल कलर होली के लिए स्पेशल तैयार किए हैं जो कि आंवला, धनिया, हल्दी, पुदीना आदि से बनाए गए हैं जो किसी प्रकार भी त्वचा रोग को दावत नहीं देंगे। रंगों के 50 नमूने एकत्रित किए जिसमें 30 नमूने तो वो कलर जो फास्ट कलर्स हैं वो 100% सिंथेटिक थे, उन वो बहुत नुकसान देते हैं, कैंसर प्रदत्त करने वाले। उसमें आर्सेनिक, क्रोमियम, मेटलिक डाइज, कार्सिनोजेनिक डाइज उसमें मिली हुई हैं। 20 नमूने हमने वो लिए जो प्राकृतिक रंगों के हैं जिनके जो बहुत महंगे बिक रहे हैं, लेकिन उसमें भी 60% नमूने जो पाए गए वो सिंथेटिक पाए गए। 240 नमूने हम लोगों ने खाद्य पदार्थों के जिसमें मैदा है, मावा है, पनीर है, दूध है, गुंजिया है, बर्फ़ी है, आपका मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, इसमें 198 नमूने फेल पाए गए, यानी 82.5% नमूने फेल पाए गए। और इसमें जो मिलावट है यूरिया तक की मिलावट भी उन सब चीज़ों में पाई गई। इसके साथ साथ हमने एक नेचुरल कलर्स बनाए हैं जैसे पुदीने से रंग बना सकते हैं, धनिया से बना सकते हैं, चुकंदर से बना सकते हैं आप, नील से बना सकते हैं, मेहंदी से बना सकते हैं, आंवला से बना सकते हैं, और इन सब का प्रचार प्रसार किया। 12 स्कूलों में हमने 800 से ज़्यादा बच्चों को ये सिखाया कि कैसे आप घर पर ही प्राकृतिक रंगों को बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सिखाया कि कैसे आप इस होली से सिंथेटिक कलरों से बच सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी साथ के साथ हम बच्चों को। नहीं देखिए, ऐसे ना वायरस अनडिफाइंड वायरस है अभी, इसमें मुझे लगता है कि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मेरा अपना ये समझना है कि अफवाहों पे ना जाएं, प्लीज़ अफवाह, कोरोना वायरस को आप अगर पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत नेट में पढ़ लें, इस पर अफवाहों पर बिल्कुल ना जाएं। मिलें लेकिन ऐसा भी ना करें, लेकिन जैसे प्रोटीन है थोड़ा सा प्रोटीन से ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि ये मौसम बरसात का है, प्रोटीन जल्दी जो है उसमें फंगल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन करता है, तो प्रोटीन खाने से और आसपास प्रोटीन ना रहे, सड़े ना प्रोटीन, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे बहुत घबराने की, हाँ हाँ जी, आप देखिए जैसे चुकंदर है तो चुकंदर तो अगर आप चुकंदर का रंग शरीर पर लगाते हैं तो कुछ दिन बाद रंग वो अपना, जैसे सलाद काटते हैं तो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, तो ये तो शरीर त्वचा को पुष्ट करते हैं। जैसे हल्दी है वो त्वचा को पुष्ट करती है, आंवला त्वचा को पुष्ट करता है। आप जितनी भी सब्जियां हैं जैसे हमने पालक है लिया है, हमने को ने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हमने टेसू के फूल लिए हैं, ये सब तो शरीर को पुष्ट करने के लिए हैं, त्वचा को पुष्ट करने के लिए हैं, और गलती से अगर मुँह में भी चला जाएगा तो ये नुकसान नहीं देगा। इसलिए हम छोटे बच्चों पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको सिंथेटिक कलर ना लगाएं और इसी तरह के कलर उनको लगाने के लिए दे दें जिससे कि पानी की भी वेस्ट नहीं होगी। एक सर्वे हम लोगों ने और किया है, इसमें लगभग देहरादून में 500 होलियाँ जलने वाली हैं और हर होली में जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 2000 से 3000 केजी जो है फायरवुड और इमारती लकड़ी वहाँ पे लगेगी। तो अगर हम देखें तो इतनी लकड़ी जलने वाली है जिसमें 3 लाख से ज़्यादा परिवार अगर एक टाइम का खाना बनाए तो वो खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम सिंबॉलिक भी करें तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ करते हैं तो एक आदमी जो है 100 लीटर पानी यूज़ करेगा तो कितना पानी हमारा लाखों लीटर्स वेस्ट